हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज़ विजय कुमार, वर्किंग एज ए लेक्चरर इन मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहटली, ब्लॉक इंदौरा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश. माय स्कूल इज़ सिचुएटेड इन रूरल एरिया. टुडेज़ माय टॉपिक इज़ कॉनिक सेक्शन. माय ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टूडेंट्स विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉनिक सेक्शन ऑफ ए कोन. What are the various section of a cone like circle, parabola, ellipse and hyperbola? The students will be able to correlate this concept with their daily life problems. The students will be able to solve the question based on this topic. In my past teaching experience, I feel that the students have not better understanding of this topic. So I decide to deliver this topic in innovative way. So I consult NCERT book. I have watched some videos on YouTube channels and I visit Diksha app. So I prepare my topic in two-way method. One, I use technology and as well as models. So first of all, I prepare a good PPT with effects and prepare models of a different section of a cone with papers and cardboard. One of my students helped me to prepare these models. लाइन जो इसकी एक्सिस है उसके साथ बना रही एक अल्फा एंगल, और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है. इस फिक्स पॉइंट से मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे करके, एंगल मेरा कांस्टेंट रह रहा अल्फा, और जैसे मैं रोटेट करके वापस यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ये इस प्रकार का एक कोण मिलता है जो जिसे हम बोलते हैं डबल नैप राइट सर्कुलर कोण, मतलब इसमें दो कोण बन गए. ठीक है जी. थर्ड कंडीशन है कि जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे. ये जो अल्फा एंगल है, और जब मैं इस अपर नैप को इस प्लेन से कट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो एंगल बने वो ये दोनों सेम हों. अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या मिलता है, एक पैराबोला मिलता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है. अब मैंने इसे मैं कट कर रहा हूँ, तो जब मैं कट कर रहा हूँ तो मेरा जो एंगल, ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है ऐसे करके एंगल बन रहा है, वो क्या बन रहा है, अल्फा और बीटा के दोनों अल्फा और बीटा सेम है, तो मुझे कट करने पर ऐसा एक शेप मिलेगा जिस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला. किस एंगल पे प्लेन कटता है और हमें क्या शेप्स मिलती है, यहाँ देखिए. ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखें. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे डिफरेंट एंगल पे कट कर रहा है प्लेन, ये जो पिंक कलर का प्लेन है. ड्यूरिंग द क्लास आई एंगेज माई स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन एक्टिविटी. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स डू द एक्टिविटी इन द फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स एंड दे रियली एंजॉय एंड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक मिलता है. तो ये अनेक काटेगा, देखिए अनेक काट के बताओ क्या मिलता है, हमें वाक्य में सर्कल मिलता है. ये देखो, ये हमने इसके परपेंडिकुलर, तो हमें देखो क्या मिला, एक सर्कल मिल गया. आफ्टर द क्लास माई स्टूडेंट डू विजिट रामानुजन मैथमेटिक पार्क इन माई स्कूल कैंपस. दिस पार्क इज कंस्ट्रक्टेड बाई मी. देयर द स्टूडेंट्स फील प्रैक्टिकल नॉलेज. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड and happy to see that this time my students have better understanding. They are able to correlate this concept with their daily life problems. Thank you very much.